इसमें मैं तुम्हारी माया में नहीं फंसने वाली। हम कहाँ है, किस जगह है, संभवतः बरसाना में ही हो। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम बरसाना पहुंचकर मुझे अपना पूर्ण सत्य बताओगे, यही बता दो ना। मैं अभी नहीं बताने वाला रहा था, तरिंग देखो ना ये क्षण कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। तरिंग मुझे इन क्षणों को जी तो लेने दो तुम्हारे साथ। क्योंकि एक बार मैंने अपने विषय में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया तो उसके पश्चात हमारे मध्य का यह संबंध पूर्णतः बदल जाएगा। उसके पश्चात तुम मुझसे इतना प्रेम करोगी राधा कि फिर मुझसे कभी नहीं लड़ोगे, ना मेरे सताने पे रूठोगे। तो अभी के लिए मुझे इस मीठी नोकझोंक का आनंद लेने दो ना, बताऊंगा बाद में। देखो ये प्रेम भरी बात है ना, तुम अपने पास ही रखो, समझे? देखा, मैंने कहा था ना ऐसे रूठती हो तो कितनी प्यारी लगती है। अब एक बार मैंने सत्य बता दिया तो तुम मुझ पे इतना मोहित हो जाओगे कि फिर कभी मुझे रूठोगे ही नहीं, फिर तो ये आनंद आएगा ही नहीं। मोहित और तुम पे ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी छोड़ो, मुझे संदर्भ में तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। ठीक है, नहीं करते हैं बात, किंतु मेरा एक निवेदन तो सुन लो। कैसा निवेदन? बरसाना लौटने के पश्चात जब मेरे जन्म दिवस का उत्सव होगा, मैं चाहता हूं राधा कि तुम उसमें भाग लो। हो सकता है कि ये मेरा तुम्हारे साथ अंतिम जन्म दिवस उत्सव होगा। बोलो। अंतिम जन्म दिवस उत्सव, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? छोड़ो ना, बताओ क्या मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? हाँ हाँ, अवश्य स्वीकारूंगी, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम भी मुझे अपना पूर्ण सत्य बता दो ना कि तुम कौन हो। ठीक, बता दूंगा ना बरसाना पहुंचने के पश्चात। सच में कितने दुष्ट हो ना तुम, मैंने तुम्हारी बात तुरंत मान ली और तुम हो कि अपनी हट पे अड़े हुए हो। मैं तुम्हारे जन्म दिवस के उत्सव पे ना कुछ नहीं करूंगी, जाओ जो करना है कर लो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर। तुम्हारा इस प्रकार रूठना फिर छुपकर मुझे देखना, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। इस जन्म में मेरे लिए यही प्रेम है और कदाचित मेरे जन्म दिवस के उत्सव की पहल तुम ही करो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी पतक हो। महाबली कंस तुमसे प्रतिकार लेने आया है, तुम्हारी भूल का दंड देने आया है तुम्हें। मैं महाबली कंस तुम्हारा आह्वान करके
तुम्हें इस मुट्ठी में बंद कर दूंगा यमुना। पकड़ो! आइए देवी यमुना, मैं जानता हूं आप मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा करें नारायण, ये उफान मैंने उत्पन्न नहीं किया है। जी देवी यमुना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये किसने किया है। ये कंस ने किया है असुर गुरु शुक्राचार्य की सहायता से। शुक्राचार्य अभी ये नहीं जानते कि उनकी सारी सिद्धियां मेरे मामा श्री कंस की कुटिल बुद्धि के समक्ष कुछ भी नहीं है। वो नहीं जानते कि मामा श्री अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की भी सिद्धि, किसी की भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। शुक्राचार्य भी कुछ नहीं समझ पाए हैं, किंतु शीघ्र ही सब समझ जाएंगे। किंतु नारायण, कंस पुनः मेरा आवाहन कर रहा है, वो पुनः मुझे विवश कर सकता है। देवी यमुना नदी है, आप एक महान शक्ति हैं, आप अन्न उगाकर सबका पेट भर सकती हैं, और समय पड़ने पर देवी यमुना आप अपना रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करें और अपने रौद्र रूप का परिचय जाके उस कंस को दें। धन्यवाद श्री कृष्ण, मैं समझ गई कि आप मुझे क्या करना है।